गोहाना को जिला बनाए जाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। उधर हरियाणा सरकार भी गोहाना को नया जिला बनाने को लेकर जुटी हुई है और कई बार गोहाना को जिला बनाए जाने को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा की जा चुकी है, लेकिन अब गोहाना जिला बनाओ कमेटी के सदस्यों ने गोहाना SDM ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर SDM आशीष वशिष्ठ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर गोहाना को जिला बनाने की मांग की। कमेटी के सदस्यों ने बताया, गोहाना जिला बनने का पूरा हकदार है। गोहाना के लोग लंबे समय से गोहाना को जिले बनने का सपना देख रहे हैं। जिला बनने पर गोहाना के लोगों को सोनीपत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं एक बार फिर बड़ौदा उपचुनाव की सियासत गर्म होती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां बड़ौदा उपचुनाव पर पूरे प्रदेश के मंत्रियों और नेताओं की नजर टिकी हुई है, वहीं गोहाना में लोगों की नजर गोहाना को जिला बनाने पर टिकी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले की गई जिला बनाने की घोषणा आज भी अधूरी पड़ी है और इसी को लेकर गोहाना को जिला बनाओ कमेटी भी गठित की गई है और यह कमेटी लगातार प्रदेश सरकार को उच्च अधिकारियों के जरिए जिला बनाने को लेकर ज्ञापन सौंपते रही है। और गोहाना में आज भी जिला बनाओ कमेटी ने गोहाना के SDM को ज्ञापन सौंपा है। वहीं गोहाना के SDM ने जिला बनाओ कमेटी के ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचे की बात को कहा। SDM ने कहा, ये मामला सरकार का है, वो इनकी मांग हो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। सरकार से जिला बनाने की मांग कर रहे हैं और काफी वक्त बीत चुका है और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार गोहाना को जिला बनाए और हमारे गोहाना वासियों को, जो आसपास के गांव है गोहाना तहसील को, इनको बच्चों को रोजगार मिले और हमारे उन्नति हो। इससे पहले सरकार भी कह चुकी है कि बनाएंगे, सरकार कह चुकी है जी, कांग्रेस सरकार में भी कह चुकी है अभी जिला बनाएंगे, बीजेपी सरकार भी कह चुकी है जिला बनाएंगे। तो हम सरकार ये चाहते हैं सरकार से जी, अब की बार इलेक्शन से पहले, बड़ौदा इलेक्शन से पहले कि गोहाना को जिला घोषित किया जाए, ये डिमांड है हमारी। क्या नाम है सर? मेरा नाम जगदीश चहल है जी। हम गोहाना को जिला बनाने की मांग करते हैं, क्योंकि बार बार इसका ज्ञापन दिया गया है और कांग्रेस सरकार ने भी वादा किया था कि हम गोहाना को जिला बनाएंगे और बीजेपी सरकार ने भी वादा किया था कि हम गोहाना को जिला बनाएंगे, लेकिन अब बीजेपी सरकार भी है और बड़ौदा का इलेक्शन भी आ रहा है। अब ये लोग वोट मांगने के लिए तो मैदान में आ जाते हैं और हर गांव में अपने अपने नुमाइंदों का डेरा डाल देते हैं, परंतु गोहाना का जिला बनाने की अनदेखी अभी तक हो रही है। हम चाहते हैं कि गोहाना की जनता चाहती है, इस हल्के की जनता चाहती है कि गोहाना को जिला बना जाए और इस सत्र में जो विधानसभा सत्र होगा इसी में ही इसको गोहाना जिला घोषित किया जाए। क्या फायदा होगा इससे? ये हमारे इससे क्या फायदा होगा, इसमें लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा और यहाँ की जो जनता इधर उधर भटकती है, कभी सोनीपत जाती है, कभी कहीं जाती है और ऑफिसर अधिकारी समय पर मिलते नहीं है तो वे बार बार किराया लगाते हैं, इन लोगों को नौकरी का मौका मिलेगा, यहाँ का विकास होगा गोहाना का। और इसके साथ साथ एक हम बड़ौदा हल्के में जो है एक खेल यूनिवर्सिटी का भी प्रावधान चाहते हैं यहाँ की जनता। पैसे पहले भी आपने ज्ञापन सौंपा है कभी? नहीं, इसका यूनिवर्सिटी का ज्ञापन नहीं सौंपा, जिला बनाने वाले के। हाँ यार, बहुत लोगों ने कई बार कमेटियों ने सौंपा। क्या नाम है कौन सी कमेटी आपकी है? क्या नाम है कौन सी कमेटी है? जिला बनाओ कमेटी। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह जी। आज जिला बनाओ जो कमेटी है गोहाना की, उसके काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने जिला बनाने के लिए डिमांड रखी है। उनके इस ज्ञापन को माननीय CM साहब के पास भेज दिया जाएगा। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।